अस्सलाम वालेकुम, एडवांस में सबको ईद मुबारक। कैसी लग रही हूँ देखो, ये भी मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ ड्रेस है। और जब मैं दुबई गई थी तो वहां से मैंने सिर्फ ये मटेरियल लाई थी और ये डिजाइन किया है मैंने। कैसे लगा? चलिए, ये डिजाइन देखने के लिए आप लोगों को मैंने आज ब्लॉग नहीं रेडी कर स्टार्ट की हूँ, मैं कुछ दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैं आज ये ब्लॉग रेडी करना चाहती थी। अभी जस्ट मैं मेरे घर से घर पर आई हूँ। और आपको पता है मैं कहाँ से आई हूँ? अभी मैं सबसे पहले तो मॉर्निंग में गई नेल आर्ट्स करने। आपको पता है कि मेरी जान बसती है सब चीज़ों में। देखो आज का मेरा नेल आर्ट कैसे, कल मैंने मेहंदी करी थी। देखो ये कल मैंने मेहंदी लगवाई थी, माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आया है। और आज मैंने नेल आर्ट, सबसे पहले तो नेल आर्ट करवाए, सेकेंड मैंने मेरे हेयर कलर भी चेंज कर दिए। ये देखिए कैसा लग रहा है, आगे से देखो। मुझे बहुत खुशी मिलती है इन चीजों से, तो मैं क्या करूं। और इसके बाद मैं फिर गई परचेसिंग करने। परचेसिंग मीन्स कपड़े वगैरह, तो बहुत आपको भी पता है कि मेरे बर्थडे में बहुत कपड़े आए हैं, तो वो कोई कपड़े तो कोई बात ही नहीं है। मैं अल्लाह का इतना करम है कि मैं साल के 12 ही मैंने नए कपड़े पहनते रहती हूँ। मैं पहले गई मदाड़, जो ईद का एक्चुअली मेरी ज्वेलरी आप लोग बहुत पसंद करते हो, इवन इंस्टाग्राम। मैं यूट्यूब पे तो कभी लाइव आती नहीं हूँ, बट इंस्टाग्राम पे मोस्टली सब लोग मेरी ज्वेलरी की बहुत तारीफ करते हैं। तो मैं ज्वेलरी खास करके मैं दुबई, तुर्की, गुजराती और बंगाली डिजाइन, आपको पता है कि बंगाली डिजाइन की डिजाइन बहुत बारीकी होती है पर वेट बहुत होता है, तो मोस्टली मेरे पास उसी टाइप की ज्वेलरी है। बट अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कल बकरा ईद है तो थोड़ी सी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहननी चाहिए, और वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल ज्वेलरी, मुस्लिम ज्वेलरी जो होती है वो ऐसे मतलब लाइट वेट होता है और बहुत बड़ा सा ऐसा दिखने में लगता है कि बहुत है, पर वो वेट बहुत लाइट होता है, पत्रिया वर्क होता है, तो उसको ट्रेडिशनल ज्वेलरी बोलते हैं, तो वो मेरे पास है नहीं। तो मेरा मन था पहनने का, तो मैं अभी पे जाकर देखो वो सब ज्वेलरी लेकर आई जो मुझे ट्रेडिशनल ज्वेलरी, एक्चुअली ट्रेडिशनल ज्वेलरी। ये बिल है, बिल नहीं दिखाऊंगी आपको मैं, सॉरी। ये देखिए ये मुस्लिम टाइप के ये कड़े, मेरे कड़े देखो इस टाइप के। मैं मेरी ज्वेलरी मोस्टली ऐसी रहती है, पर ये मैंने मुस्लिम टाइप के बिल्कुल ज्वेलरी खरीदी हूँ। और ये आपको सबको पता है ये मुस्लिम टाइप का ही नेकलेस होता है, ये देखिए। और इसके साथ साथ ये बड़े कंगन के साथ मैंने और पूरे सेट बना कर ली हूँ। इंशाल्लाह मैं कल पहनूंगी तो आपको कुछ पता चल ही जाएगा। और मैं खास ये कल पहनने के लिए सारी ज्वेलरी ली हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेरे पास नहीं थी। तो ये और इसके साथ में एक बड़ा सा हार, इंशाल्लाह मैं कल ये ज्वेलरी पहनूंगी। अब रही ये बात, छोड़ो ये सब, तो मैं मुझे एक्चुअली ये पसंद भी नहीं है दिखाना, और मैं आप लोगों ने देखा कि मैं कभी ये सब चीजें दिखाती भी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, उसी का बहुत शुक्र है। और अल्लाह पाक ने कहा है कि अपनी दौलत और अपनी कीमती चीजें छुपा के रखा करो, तो मेरी बहुत सारी चीजें मैं कीमती में छुपा कर रखती हूँ। तो ये चलिए छोड़िए, ये आज थोड़ी सी डिस्कस वाली बात थी। और मुझे पता है कि सब लोग, बकरा ईद का टाइम है तो इतना सायरा सत्तानी के बकरे कहाँ है, मेन मुद्दे पे अब मैं आई। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि सायरा सत्तानी के बकरे कहाँ है, तो मैं आप लोगों के साथ पर्सनली ये बातें शेयर करना चाहती थी, बिकॉज मेरे पास मेरे बच्चे, मेरे शौहर और मेरे अल्लाह के सिवा कोई ऐसे इतने खास लोग नहीं है जिनसे मैं अपनी बातें शेयर करूं। और आप लोग एक ऐसे एक जरिया हो या एक ऐसे, हाँ है, हालांकि हेटर्स भी बहुत है, पर अगर हेटर्स ही खाली होते तो 5 लाख फॉलोअर्स मुझे फॉलो नहीं करते, तो प्यार करने वाले भी बहुत है, तो मैं उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। बाकी मैं कोई जवाब नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे वो चीजें पसंद नहीं है, मैं अपने दिल की खुशी में खुश रहती हूँ। तो चलो फिर से हम घूम फिर के आ गए हमारे बकरे पर, ठीक है। मैं बकरे पिछले साल भी नहीं ली थी, पिछले साल भी मैंने बकरे के जो पैसे की नियत थी मैंने लोगों के घर पे जाके वो डोनेट की थी, और मैंने मेरी आंखों से देखा था। पिछले साल तो लॉकडाउन का बहुत
बहुत ज्यादा जोर था लॉकडाउन का। इस साल तो इससे अभी तो अल्लाह का करम है कि लॉकडाउन थोड़ा खुल चुका है, पर पिछले साल मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जो पैसे मैंने डोनेट की, लोगों ने उस पैसे से राशन और अपनी जरूरतमंद की चीजें जो जिन लोगों ने खरीदे, मैंने मेरी आंखों से देखा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं बकरा खरीद कर ये मतलब अल्लाह की ये सब चीजें सुन्नती चीजें हैं, तो मैंने अगर ये चीज नहीं की तो मुझे दुख होना चाहिए, नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जो वो पैसे मैंने लोगों को दिए और लोगों ने अपनी जरूरत की चीजें खरीदी, तो मेरे अल्लाह भी जानते हैं कि वो चीज वो पैसे कहाँ लगे। और बकरा अगर कुर्बानी नहीं की तो अल्लाह को पता है कि मैंने वो चीज क्यों नहीं की। और रही ये पिछले साल की बात, उस साल जरूरतमंद के लोगों के घर तक मैंने जाके ये चीज पैसे पहुंचाई थी, और वो जो लोग अगर ये वीडियो देखते तो वो जानते हैं कि आपा उनके घर तक आकर देकर गई थी, ठीक है। अब रहा ये साल तो लॉकडाउन खुल चुका है लेकिन काम धंधा नहीं खुला है, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हैसियत दी है कि मैं कुर्बानी तो कर ही सकती हूँ। अगर 8 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 बकरे तो मैं कर ही सकती हूँ। अल्लाह ने इतनी हैसियत तो अभी भी मेरी रखी है। और लेकिन मैं जिनकी दीवानी हूँ, सबसे पहला तो मैं गरीब नवाज की दीवानी हूँ, आप सब जानते हो, और उनके करम है कि मैं किसी और से जुड़ी हूँ। और शायद ये लॉकडाउन था, उनका दर बंद था, मैं वहाँ नहीं जा पा रही थी, तो गरीब नवाज सरकार का ही ये हुक्म था कि मैं मेरे बालिशा पीर से जुड़ूँ। और मेरे सरकार का करम कि उन्होंने अपनाया मुझे, मैं उनके पास अपनाने नहीं गई थी, मैं तो उनके दर पे गई थी एक भिखारन बनकर, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर अपना लिया है। तो मेरे बालिशा पीर का करम, और मेरा दिल चाहता है कि आप सबको पता है कि मेरे बालिशा पीर का काम चालू है, मेरा दिल तो इतना चाहता है कि जितना भी काम हो वो सब मैं वर्ड अल्लाह को पसंद नहीं है, तो ये मैं चाहती हूँ कि मैं वो खिदमत करूँ, और जितना भी उनका काम है बस अल्लाह और गरीब नवाज मेरे जरिए वो करा देवे, चाहे कोई और डोनेट करे या मेरा दिल तो चाहता है कि मैं ही करूँ, पर मेरा वर्ड जो मैं है ना, ये मैं अल्लाह पाक को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं वर्ड नहीं करूँगी, बस मेरे अल्लाह चाहे और गरीब नवाज चाहे तो ये जरूर होगा। इसका पहल तो मैं कर चुकी हूँ, आए दिन जब भी मेरे पास जो हैसियत होती है मैं मेरे सरकार के पास जरूर पहुँचाती हूँ, चाहे जो भी हो, एक फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी से ही मैं जरूर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये साल बकरा नहीं खरीदने का यही फैसला कब करी आपको पता है, जब मैं पिछले जुम्मा वहाँ गई, आपको पता है कि मैं आए दिन वहाँ जाते रहती हूँ, तो जब मैं वहाँ बैठी और अमजद भाई ये जानते हैं, अमजद भाई को अच्छी तरीके से मालूम है ये वीडियो में, अमजद भाई अगर देखे तो उनके साथ मैंने डिस्कस करी कुछ बातें, और ऐसे बैठ के गुम्बद को देख रही थी, तो गुम्बद को देखते देखते कुछ बातें अमजद भाई के साथ हुई, और कुछ काम सरकार का बाकी है और कुछ पैसों की जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही है, तो लोगों से तो मैं गुजारिश नहीं कर सकती क्योंकि सबका हाल बुरा है, तो मैं किसी को कैसे बोल सकती हूँ कि आप आइए और पैसा दीजिए, जिसका दिल चाहेगा और जिसकी हैसियत होगी वो खुद आके दे देंगे, और हम नहीं देते ये हमें वो चुनते हैं, हम जो खिदमत करते हैं ना वो हमें चुनते हैं कि हम उनकी खिदमत करें, हम नहीं जाके वहाँ करते। तो ये बस मेरे दिल की, देखो ये दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कोई बड़ाई वाली बातें नहीं है, और मैं ना ज़्यादा बोलती हूँ किसी को ना करती हूँ, मैं अपने काम करने पे बिलीव करती हूँ। तो मैंने मुद्दा ये था कि मैं ये साल बकरे नहीं ले रही हूँ, और वही पैसा मेरे बालिशा पीर का जो गुम्मत के ऊपर का कुछ काम बाकी है और उसकी कुछ इतना अमाउंट बाकी है, तो मैं चाहती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि सरकार मेरी वो खिदमत मुझसे लेवे, और मेरे दिल से गुजारिश है बालिशा पीर से कि मैं चाहती हूँ कि आप वो खिदमत मेरे से लीजिए, कि मैं चाहती हूँ ये करूँगी ऐसा नहीं, मैं आपसे यहाँ बैठ के गुजारिश करती हूँ कि वो खिदमत जो आपकी बाकी आप मेरे से लीजिए, और मुझे कुछ ऐसा जरिया दीजिए कि मैं आपकी खिदमत में दिलो जान लगा दूँ, बस इसीलिए मैं बकरा नहीं ली हूँ। पिछले साल मैंने बकरों का पैसा लोगों को दिया कि लोगों की जो काम की जरूरतें थी लोगों ने वो पूरी की, इस साल मैंने जो बकरे का पैसा है मेरे बालिशा पीर की खिदमत में पेश करूंगी, और जो उनका जो काम है थोड़ा सा बस मेरे ये देने से वो पूरा हो जाए, ये मेरी नीयत है, क्योंकि मुझे पता है वो कितना अमाउंट है वहाँ बाकी है, जो वो अमाउंट देने से वो काम कम्प्लीट होगा, एक काम तो बहुत है बालिशा पीर का। और फिर गुजारिश तो नहीं करती हूँ, पर चाहने वालों को बोलूंगी जरूर
कि आइए और जो भी आपसे होगा करिए जरूर, बस मैं तो करूंगी और वो मुझे कराए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। बस इसीलिए मैं मेरे बकरे नहीं ली और वो पैसा मैं मेरे बालेश्वर पीर की सरकार की खिदमत में जो काम अधूरा है उसमें मैं देने वाली हूँ, इसीलिए मैंने बकरा नहीं ली। ये बातें मेरी आपके, और देखो बड़ी मैं खुश बोल रही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने बकरा नहीं ली और मैं कुर्बानी नहीं करी। कुर्बानी इंशाल्लाह इस यहाँ तक तो मैं करी हूँ। उम्मीद है मेरे सरकार गरीब नवाज से और मेरे बालेश्वर पीर से कि अभी आता हुआ साल मेरे बच्चे लेकर आएंगे बकरा। आमीन आमीन। पिछले अब ये जो आता हुआ साल अगर मैं रहूं या नहीं रहूं लेकिन मेरे बच्चे बकरे जरूर लाएंगे, ये मेरा यकीदा है। बस ये यकीदे के साथ कुछ दिली बातें आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ और ज्वेलरी दिखाई हूँ तो उसके लिए सॉरी, मैं कभी कोई चीज दिखाती नहीं। हाँ मेरे कपड़े डिजाइन करे हुए जरूर दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है उस चीजों से। तो इसी बात के साथ मैं ये ब्लॉग बना रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि आप बकरे का वेट कर रहे होंगे, तो मैं बकरे नहीं ले रही हूँ। और बस बस आप सबको मेरे तरफ से आज चांद रात है एडवांस में आप सबको दिल से ईद बकरा ईद मुबारक, और जिन्होंने जो भी नियत से बकरे लिए हैं अल्लाह उनकी नियत कबूल करे। और हज का महीना आप खत्म होने को है तो अल्लाह बस ये हमारी जो इबादत है जो हमारी खिदमत है हज के महीने में अल्लाह कबूल करे, ये भी एक खिदमत ही होती है तो अल्लाह बस ये कबूल करे और हमारी गलतियों को माफ करे। और हयाती रही तो मुझे बालेश्वर पीर की खिदमत में काम करने का और खिदमत करने का अल्लाह मौका दीजिए। गरीब नवाज से मेरी अर्ज है और बस आप लोगों के साथ दिली बातें शेयर करी हूँ। चलिए बस इतना इनफ हो गया है ना, थक गए ना आप भी और मैं भी। तो चलिए अब इसी के साथ ब्लॉग मेरा खत्म करती हूँ। कल तो आएंगे ईद के, क्या पहनूंगी क्या है क्या नहीं और बाकी सब। चलिए फिर आप मेरे चैनल को, पता है ना आपको मेरा चैनल सायरा सत्तानी और इंस्टा पे ऑफिशियल है सायरा सत्तानी ऑफिशियल। चलो देखिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खिदमत का मौका दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हाँ, और प्लीज इफ यू डोंट माइंड मैं कोई चीज दिखावे के लिए नहीं आपसे करी हूँ, भाई ये दिली बात थी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज एंड अगेन ईद मुबारक।